गाइज, जाट मशीन चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं होलर चक्की में लगने वाले सेल के बारे में। वो जो ख़त्म हो जाते हैं सेल ज़्यादा दिन चलने के बाद, तो उसको कैसे रिपेयर करें, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा। गाइज, तो लेकर चलते हैं हम गाइज आपको अपने होलर चक्की के पास। ये हमारा होलर है, आप देख लीजिए। इसको पहले हम अपने पाना से खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कि सेल में जो प्रॉब्लम आया उसको हम रिपेयर करेंगे। तो हमारे चैनल पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, देख लीजिए गाइज। हम इसको खोलते हैं अब, और हमारा सेल ज़्यादा चलने के बावजूद ये अभी थोड़ा कुटाई करने में दिक्कत कर रहा है, जिसके कारण इसको अब चेंज करने का समय आ गया है। ये हमारा ब्लेड है जो कि इस पे लगा रहता है चावल को अच्छे से रिपेयर करने में, बनाने में। हमारा चावल अच्छा से अच्छा बने इसी के लिए वो हमें दो ब्लेड लगता है, इसमें बटन लगता है जिसके सहारे चावल अच्छा बनता है। अब देख लीजिए, हम पूरी तरह से पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, जो अंदर में चावल थोड़ा सा बचा हुआ रहता है चलते टाइम, जो बंद होते हैं वही चावल इसमें बचा हुआ रहता है उसको पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है हमारा सेल में। आपको कैसे पता कर रहा है कि हमारा सेल अब ये चलने लायक नहीं बचा है, इसको रिपेयर करना चाहिए या नहीं, तो न्यू मार्केट से ला के चेंज कर देना चाहिए। इसीलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि सेल कैसे पता करें कि हमारा सेल अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए आपको देख लीजिए, हम पहले इसको चेक कर लेते कि हमारा सेल कहाँ पे ख़त्म हुआ है। धीरे धीरे रोटेट करके हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंची टैप लेते हैं, जहाँ आपको हम दिखाएंगे कहाँ पे हमारा सेल ख़त्म हो चुका है। जहाँ में सबसे ज़्यादा चावल का लोड रहता है उस टाइम वहाँ पे हमारा अभी सेल, देख लीजिए, मिनिमम 2 इंची में अभी ये गैप आ गया है, जिस कारण अभी चावल उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है हमारे होलर में। आप देख लीजिए गाइज, ये शाफ्ट से लेकर सेल तक का जो स्पेस है इसके अंदर में वो 1 इंच लमसम में है, फिर भी ये चावल बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सेल, जिस कारण इसे चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो आप रिपेयर करके भी काम चला सकते हैं, और इसका देख लीजिए आउटसाइड कितना दिया हुआ है, 2.5 इंच के लगभग में है। और हमारा सेल जो जहाँ से हमारा चावल निकलता है अंदर से बाहर, वो जिसके द्वारा चावल बनता है, वो अभी 1 इंच के आसपास बचा हुआ है। और गैप हमारा 2 mm स्पेस में चलता है, ताकि जो भी धान उसके अंदर आए तो उसके अंदर जाके हमारा बटन के द्वारा अच्छा से चावल बचे। हमारा सेल जो यहाँ तक गया है, देख लीजिए, 10 इंच लगभग में अभी चला है। साढ़े दस इंच के दायरे में अभी बचा हुआ है सेल। पूरी तरह से हमारा सेल देख लीजिए ख़त्म हो चुका है। शुरू से लेकर शुरू में थोड़ा सा बचा है, यानी कि 1 या 2 mm बचा है, और जहाँ से चावल निकलता है वहाँ पे पूरी तरह से अभी लोड लेने के ज़्यादा कारण, क्योंकि हम थोड़ा दबाव दे रहे हैं जिस कारण कम बचा है। और हमारा यहाँ पे पुली पे भी बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिस कारण, क्योंकि लोड ज़्यादा देंगे तो आपके पुली पे प्रभाव पड़ेगा, और आपको बेल्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए गाइज, जब भी आपके सेल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको चेंज कर दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो बॉडी भी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा।
आप देख लीजिए, ये ज़्यादा लोड देने के बाद इसका बेल बटन जो भी है दोनों चीज़ ख़त्म हो चुका है। ये प्रेशर के कारण होता है। अगर आप अपने सेल पे दबाव बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि दूसरे जगह पे ये ज़्यादा घिसाई करके आपका बेल बटन दोनों ख़त्म कर देगा, जिस कारण आपका दोनों यानी कि तीनों चीज़ आपको पूरा बदल चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको नुकसान ज़्यादा होगा गाइस। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हो सके तो अपना सेल को चेंज कर ले, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। हम पहले इसको चेंज करेंगे और ये अभी रिपेयर करने लायक बचा नहीं है, जिस कारण नहीं तो हम इसको अपने ग्राइंडर के सहारे इसको हम पूरी तरह से घिसाई करके जहाँ से चावल बनता वहाँ तक हम रिपेयर करते, लेकिन हमारा